Now, third part of this discussion is how to prepare for now interview in short term. That is the task of this lecture. In short term, mein aapko kya kya tayar karna hai? Right? So see, there are four basic pillars on which this PCS interview is based. जिसमें आप कह सकते हो कि ठीक है यार, दिस इज दीज आर द थिंग्स आई हैव टू प्रिपेयर फर्स्ट, राइट? एंड दीज फोर पिलर्स शुड नॉट टेक मोर देन 4 to 5 days ऑफ प्रिपरेशन. 4 से 5 दिन की प्रिपरेशन आपने इन फोर पिलर्स पे करनी है बस, राइट? यू माइट हैव बीन प्रिपेयरिंग बट इट इज नाउ टाइम टू गिव अ फाइनल टच. ठीक है, फर्स्ट पिलर इज योर बायोडाटा बेस्ड क्वेश्चन. बायोडाटा बेस्ड क्वेश्चन. नाउ इट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड दैट यू मे बी आस्क्ड सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर बायोडाटा. नाउ बायोडाटा बेस्ड क्वेश्चन मींस क्वेश्चंस रिलेटिंग टू योर लाइफ एंड द वेरियस डिसीजंस यू हैव टेकन ड्यूरिंग योर लाइफ. Why PCS? Or why civil services? Why shift from your educational qualification to civil services? कि क्यों आप किसी educational qualification से civil services पे आ रहे हो? Third, why not job अगर आपने नहीं की, और why leave job या आपको छोड़ दी करके? What are your strengths and weaknesses? ये normal question है जो पूछ ही लिए जाते हैं. Introduce yourself. Why should we select you? Self introduction which की personal. वो आगे. ये अभी हम पहले pillars कर लें. ये आगे आ जाएगा. पहले एक बार आप introduce yourself. What are your personal goals in life? Your priorities? Personal goals or oblique priorities in life? Now questions relating to your job. अगर आपने कोई job करी है या कर रहे हैं, then you must prepare particularly basic questions pertaining to the job. For example, any person doing job? क्या कर रहे हो? Teacher. Which field? बस अब आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और थोड़ा सा एजुकेशन इन पंजाब यूनिवर्सिटीज, पब्लिक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन पंजाब, गवर्नमेंट एजुकेशन इन पंजाब, हायर एजुकेशन इन पंजाब, रोल ऑफ आईटी इन एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपको तैयार करना ही करना है. ये मोस्ट प्रॉबेबल क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं. बिल्कुल, अब तैयार करने पर क्या जॉब प्रोफाइल है आपका, क्या करते हो आप, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है ना. एंड देयर इज नो एक्सक्यूज आपने महीना जॉब करिए, 2 महीने करिए, 6 महीने करिए. यू हैव टू प्रिपेयर. अगर आप इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं तो प्रॉपर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का पूरा क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या रिफॉर्म्स हैं, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्या इसके आइडियोलॉजिकल गोल्स हैं, इंडिया में क्या स्टेटस है ना, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, क्या रोल है प्रेजेंट कोऑपरेटिव का इन ऑफ लिबरलाइजेशन. आप फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट में है तो पूरा फूड आपका CACP, पूरा मतलब एग्रीकल्चर कॉस्ट, MSPs, प्रोक्योरमेंट प्राइस, फूड सिक्योरिटी, स्टोरेज प्रॉब्लम्स है ना, फूड सब्सिडी, एवरीथिंग हैज़ टू बी कवर्ड मेटिकुलसली. इट हैज़ बीन सीन इन पास्ट दैट दे हैव बीन आस्किंग क्वेश्चन ऑन द जॉब. So your job is right. Next, next is for within personal biota. Your question comes on parental background. Your parents are doing some job. For example, your parents is into agriculture. किसी का है? अब आप agriculture है, आपने mention कर रहे हो वहाँ पे कि parental जो occupation है वो agriculture है, कहीं भी mention किया या वो पूछ ही ले कि आपके parents क्या करते हैं. अगर नहीं भी बुलवाया कहीं, आप कहोगे agriculture, then you should be
properly aware about the agricultural situation in Punjab. क्या production है, कौन सी main crops हैं, कितनी production हो रही है, हैं? कितना हम central government को दे रहे हैं? Green revolution in agriculture, present agricultural distress, farmer suicides, farmer debt, loan waiver, pros and cons. All these questions related to agriculture. आपके पिताजी बैंक में काम करते हैं, थोड़े बहुत बैंकिंग की क्वेश्चन, क्या ट्रेंड्स हैं बैंकिंग सेक्टर में, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चल रहा है आगे, जस्ट टॉक टू योर पेरेंट्स, ये तो हमारे से बात करो. बट सम क्वेश्चंस ऑन पेरेंटल बैकग्राउंड आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड, कैन बी एक्सपेक्टेड, इट्स योर ड्यूटी टू डू दैट. बट ऐसा नहीं है कि आप सेंटी हो जाओगे और दो दिन इस पर लगा दोगे, 20-25-30 क्वेश्चन बस, राइट? आपको नहीं समझ आ रहा कि कौन से क्वेश्चन हैं, आपको जस्ट हमारे को मेल करें, एक मेल हमारे को मारो, हम आपको क्वेश्चन बना के देंगे, फॉरगेट अबाउट इट, info@arvind.org. अपना बैड पर टेस्ट कर देना, नीचे लिख देना सब्जेक्ट, क्वेश्चन ऑन पेरेंटल बैकग्राउंड, और हम आपको क्वेश्चन बना के विद इन 24 आवर्स आपके पास पहुंच जाएंगे. यू कैन एक्सपेक्ट मच अर्लियर देन दैट, बट 24 आवर्स इज द लास्ट टाइम. एनी पेरेंटल बैकग्राउंड या आपकी जॉब आपने करी है उसके बारे में क्वेश्चन चाहिए आपको, डोंट अप्लाई योर माइंड, जस्ट रिलाई ऑन अस. कोई टाइम नहीं है अपना माइंड अप्लाई करने के लिए, टाइम नहीं है आपके पास 10 लोगों से पूछने के लिए, और टाइम मैं बिल्कुल नहीं प्रपोज करूंगा कि आप इस पर वेस्ट करें. देखिए अब इसके बायोडाटा के अंदर एक और चीज आती है, एकेडमिक बैकग्राउंड, है ना? एकेडमिक बैकग्राउंड. अब एकेडमिक बैकग्राउंड तैयार करनी है नहीं करनी? देखिए इतने कम टाइम में एकेडमिक बैकग्राउंड तैयार होना बहुत अच्छा है. अगर मैं आपसे कहूँ सिविल इंजीनियरिंग की सारी तैयार करो बैठ के, नो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है ना? जनरली देखा गया कि इन PCS अगर आपका लॉ ऑफ बैकग्राउंड रही है नंबर एक लॉ, या आपकी हिस्ट्री बैकग्राउंड रही है, आपकी पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड रही है, या आपकी इंग्लिश लिटरेचर की बैकग्राउंड है, कोई लिटरेचर की बैकग्राउंड हो पंजाबी और इंग्लिश, है ना? ये 4-5 सब्जेक्ट्स हैं जिसके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं. अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू हैव एनी एजुकेशनल बैकग्राउंड लीव इट, क्योंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड से बाहर निकलना बड़ा आसान है. आप कह सकते हो हमेशा कि सर यस आई हैव स्टडीड दिस थिंग ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन बट इट हैज बीन रॉन्ग सर, आई कांट थिंक. खत्म, कोई डैमेज नहीं है, कोई डैमेज नहीं, मतलब डैमेज नहीं है मेरे, क्योंकि अदरवाइज इट विल टेक माई लॉट ऑफ टाइम अगर मैं इसको तैयार करने बैठता हूँ, क्योंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड में 2 स्प्रेड्स 3 स्प्रेड भी हो सकते हैं आपके, फिर आप सोचोगे कौन सा छोड़ूँ कौन सा करूँ. अब इंजीनियरिंग करी हुई है तो इंजीनियरिंग छोटी है करनी थी कवर, कुछ भी पूछ लेंगे. और तो कुछ एजुकेशन बैकग्राउंड के हमने वेब पे हमारे क्वेश्चन बैंक पढ़े हैं 30-30 क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन, बट फिर भी मैं उसको मैटर ऑफ लास्ट रखूंगा, ये प्रायोरिटी में मेरे लास्ट है कि अगर आपके पास टाइम है, यू फील कंफर्टेबल इनफ, तो देख लो वहाँ पे क्वेश्चन बैंक और आप करो, नहीं तो आप एकेडमिक बैकग्राउंड को छोड़ सकते हो कंफर्टेबली, क्योंकि वैसे भी PPSC में ऑब्सोलेट तो है ही नहीं, तो दे वे नॉट ऑफ. कुछ नहीं छोड़ दो, यू कैन ऑलवेज कम आउट ऑफ इट, सर यस मैं पढ़ा सी बट इट हैज बीन 2-3 इयर्स सो आई एम अनेबल टू रिकॉल, कोई फर्क नहीं पड़ता. इंस्टेड की तुम तैयार करके बैठ जाओ एंड यू कॉम्प्रोमाइज ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिपरेशन. उन्होंने पूछ लिया 323 आर्टिकल्स किए, 324 किए एंड यू आर नॉट एबल टू आंसर, दैट इज वेरी डैमेजिंग. रादर देन इफ यू डोंट आस्क कि व्हाट इज दी व्हाट यू से कार नोट साइकिल एंड फार नोट साइकिल, यू कैन ऑलवेज से सर आई कांट रिकॉल, बट इज CRDI इंजन, बट इज MPFI इंजन, नहीं पता, ठीक है नहीं पता, नहीं रिकॉल कर रहे. बट यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन अदर थिंग्स विच आर मस्ट. राइट, देन नेक्स्ट इज विद योर बायोडाटा इज योर हॉबीज, जो तैयार आपको करनी है. हॉबीज ऐसी तैयार आपको करनी, ऐसी रखनी है आपको अनलेस एंड यू हैव सम जेन्युइन हॉबी जिसके क्वेश्चन मिनिमाइज हों, बहुत टेक्निकल ना बने. जैसे अगर आपकी जेन्युइन हॉबी नहीं है, मतलब जैसे गार्डनिंग हो गई, पेट कीपिंग हो गई, है ना, दीज आर थ्रेटनिंग,
ट्रेवलिंग हो गई, दीज आर वेरी क्वाइट मतलब बिग हॉबीज. Unless and until you are naturally into it and you have been preparing it, stay away from them. तो काफी तैयार करना पड़ता है, 5-7 दिन हफ्ता लग जाता है इस हॉबीज को तैयार करने के लिए. And they can ask you any damn thing. You don't have any control over it. ठीक है, नॉर्मल हॉबीज जैसे रीडिंग हो गई, जिमिंग हो गई, वॉकिंग हो गई, वॉचिंग मूवी, साफ सुथरी सबकी होती है हॉबी, मानो ना मानो, इंटरेक्टिंग विद फैमिली मेंबर, हेल्पिंग फैमिली विद हाउस होल्ड वर्क, हॉबी है ठीक है, इट्स माय हॉबी. व्हेनेवर आई गेट टाइम आई डू दैट, आई मेक इट अ पॉइंट, आई फील डिस्ट्रेस, ऑल्दो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, एट द सेम टाइम आई सीक माय हॉबी ऑल्सो. नोबडी कैन चैलेंज यू, दे से कि हाउ इट इज अ हॉबी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यस, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. But they don't want it. Sir, it's my responsibility if there was some deprivation. So we have separated in the house. There is no asset, there is no requirement that I should work. Still I work. That makes it a hobby. If it is required, then it becomes a responsibility. But if it is not required and still you are doing it, then it becomes a hobby. Got the point? Look at the walking. पीसीएस में क्वेश्चन पूछा, इज वॉकिंग अ हॉबी, हाउ इट इज अ हॉबी, यू आर डूइंग इट फॉर योर हेल्थ. वॉकिंग इज अ हॉबी, इफ वॉकिंग इज नॉट अ हॉबी, इफ यू वॉक टिल अ पर्टिकुलर लेवल, बट आफ्टर अ पर्टिकुलर लेवल इट बिकम्स अ हॉबी. कि व्हेनेवर आई फील लाइक आई वॉक, नॉट फॉर हेल्थ, जस्ट टू डिस्ट्रेस माय सेल्फ, देन इट बिकम्स अ हॉबी. तो यही बात है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मैंने आंसर किया अभी आपके लिए. रीजन बिंग की ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा है मैंने कि ये हॉबी कैसे है, वॉकिंग या कुकिंग हॉबी कैसे है, घर में आप खाना बनाते. कोई भी चीज़ हॉबी तब तक है, तब तक नहीं है जब तक वो ज़रूरत है. अगर वो ज़रूरत नहीं रहती और फिर भी आप उसको करते हो अपनी इच्छा से, तो क्या बन जाती है, हॉबी. तो कोई भी ऐसी चीज़ रीडिंग है, जैसे वो कहते हैं रीडिंग न्यूज़ पेपर, how it is a hobby, you are preparing for civil services. You have to read it. So, kya answer hoga? Covering the topics even beyond syllabus. So, I don't see newspaper only in the light of the topics which are required in civil services. No, I do read that. But that part is not a hobby. I do read the other aspects of newspaper, which I feel comfortable. Yeah, I enjoy. हॉबीज पे आपको अपने जो 20-25 क्वेश्चन है उनके, अगेन नेट पे हमारे 60-70-80 हॉबीज के क्वेश्चन पड़े हैं. अगर आपने पर्सनल बायोडाटा बनाया है तो उस पे भी आपको क्वेश्चन बैंक मिल चुका है. ठीक है, इनकेस उनमें किसी में कोई हॉबी ना हो, अगेन इन सडम ये हमें को भेज दो, हम बना के देंगे आपको. डेफिनेटली आंसर अपने आप बनाने, हम हर बच्चे को क्वेश्चन के आंसर भी बना के दे सकते हैं. सर जो फॉर्मल हॉबीज हैं, अनलेस एंड अंटिल यू सेंड अ डिस्ट्रेस कॉल, हेल्प मी, SOS, कि सर छोड़ो क्या रूल है क्या नहीं है, ये बड़े क्वेश्चन मुझे आंसर दे दो बस, अब वो फिर हम दिन रात लगाएंगे. अनलेस एक सब्जेक्ट में SOS आ जाए अगर, वो फिर कोई चक्कर नहीं, डोंट हेजिटेट, कुछ भी कर देंगे, फिर आपको बैठ के पढ़ा भी देंगे कि BA पकड़ आधा घंटा लगा ले हॉबी तैयार करिए. तो ऐसा स्ट्रेस आ जाए कुछ, तो डोंट हेजिटेट आस्किंग फॉर एनीथिंग. ओके, हाँ जी, कुछ पूछ रहा था सर. हॉबीज और एरियाज ऑफ इंटरेस्ट में जो ब्लैंक है उसमें हॉबी भरेंगे भरेंगे सर. हाँ, हॉबी तो भरेंगे दो उसमें, क्योंकि उसने हॉबीज एंड एरियाज ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो हॉबी तो उसमें भरेंगे. एक बार तो कर लेंगे तैयार. एक थोड़ी सी ऑड सी लगती है, हमेशा दो हो तो ठीक है ना, फिर वो एकदम एक्सट्रीम सा हो जाता है एक में ना, कि यही करते हो. तो ट्रेंड आजकल दो का है, दो या तीन का है, तो दो इज मिनिमम को हम एक्सेप्ट करते हैं.
This is one first pillar of your protection, जो होने होना चाहिए, and it should not take more than one day. ये 4-5 घंटे का काम है आपका सारा, maximum 6 घंटे लगा लो, लेकिन एक दिन में इसको खत्म करना. मैं इसलिए आपको बाउंड कर रहा हूँ, because ये चीजें बाउंड होनी जरूरी होती हैं. Now that includes the starting of 47, तो आपको अपने आप को बाउंड तो करना है ही, कि एक दिन है तो एक ही दिन. Now second pillar of the interview is your behavioral aspect. How you present yourself in the interview. देखो अगर आपसे पूछा why PCS, आप नहीं आंसर कर पाए, you are finished, है ना, बेकार हो गया काम आपका. और ये क्वेश्चन ऐसे है कि सारे प्रेडिक्टेबल हैं, तो ये तो आने आने चाहिए ना. इनमें से अगर कुछ पूछा what are your strengths, आप you are unable to answer properly, it will be very damaging. तो ये तो compulsory questions है. Similarly the second pillar is also very important, that is the behavioral aspect. Like इसमें क्या आता है, how you enter into the room, देखते जाओ फटाफट, how you enter into the room, your manner of wishing, wish करते हो properly, good afternoon sir, good afternoon sir, good afternoon sir, right? Then you sit, then once you are asked to sit, you sit, your sitting style, मैं मोटी मोटी बातें कर रहा हूँ, ये PCS के लिए इतनी required है, your eye contact, your hand movement, your body movements. Your way of answering questions, कैसे क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो आप, योर रिएक्शन टू द क्वेश्चन विच यू डोंट नो, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो क्या रिएक्शन होता है आपका. योर टैकलिंग ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस विद एन इंटरव्यू, तो स्ट्रेस आ जाता है इंटरव्यू. देन यू आर कंक्लूडिंग बिहेवियर इन द इंटरव्यू, इंटरव्यू खत्म हो गया, आप कैसे यू से थैंक यू एंड गेट अप एंड देन व्हाइल मूविंग आउट यू रिक्वेस्ट द बोर्ड अगेन. ठीक है ना, ये मोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और ये इसके नंबर है. जैसे 4-5 बातें बस बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखनी है, लेकिन ये पूरा लेक्चर है अपने आप में, जो मेरे 12-14 लेक्चर है ना इंटरव्यू वाले, उसमें पूरा लेक्चर है बिहेवियर क्लास का, तो उसमें सारा सिमुलेशन है कि कैसे एंटर करना, कैसे बैठना, वो डिटेल देखना किसने देख सकता है. लेकिन यहाँ 4-5 बातें हैं जो डिफाइनिंग है ना, जो आपको नहीं भूलनी है कभी. नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट बात बिहेवियर में कहती है, नेवर गेस. लिख लो इसको, 4-5 बातें बिल्कुल पक्की जो आपका इंटरव्यू में ब्लेंडर अकाउंट फॉर करती हैं, कि अगर आपने कर दिया तो ब्लेंडर है, तो नंबर गए आपके, जितना मर्जी अच्छा इंटरव्यू. नेवर गेस, इवन इफ यू आर आस्क्ड टू, दे मे इंस्टिगेट यू टू गेस, कि अच्छा देखो बेटा लगाओ गैस, कोई गल नहीं, फिर क्यों तुम जवान हो, यंग हो, तुम लाओ गैस, तुम उन्हें डर लगे. ब्यूरोक्रेट नेवर गेसेस, ब्यूरोक्रेट नेवर गेसेस, इफ ही नोज देन ओनली ही स्पीक्स, अदरवाइज ही मे से कि सर आई एम अनेबल टू रिकॉल एट दिस मोमेंट, आई विल हैव टू चेक द फैक्ट्स. जितना मर्जी थानू स्ट्रेस करना हो, तुसी हर बार ड्रामा करना सोचन दा ठीक नहीं सर, फिर क्या नहीं, ट्राई करो, आई ट्राई बट नथिंग इज कमिंग टू माई माइंड एंड इट विल नॉट बी एप्रोप्रिएट फॉर मी टू गेस. थर्ड नंबर उठे आगे सॉल्व, बट यू विल नेवर गेस. रिमेंबर, चाहे थोड़े 10 क्वेश्चन पूछे थोड़ा नहीं आते, देन ऑल्सो हैव द गट्स टू से नो, बिकॉज बाय सेइंग नो यू मे गेट मार्क्स, बट बाय गेसिंग यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लूज, यू डेफिनेटली गोइंग टू लूज, घबराना नहीं. सर कई क्वेश्चन होंगे इन बिटवीन, आपको लगता है कि मेरा सही होगा, मतलब शोर नहीं होने आपका कि सही है हो या नहीं. Once you say, sir, I am not sure, but this is this. Sir, I think it is this. This becomes guess. Your answer may be wrong. They ask you, what is sex ratio of Punjab? You say, sir, I am not sure. I think it is 893. It is a guess. Even if the answer is right. Chahe theek hai answer, phir bhi thoda answer, interview waste galat hai.
जी अपन डेफिनेट आप बताएंगे आंसर पे नो यू से सर इट इज 893 यू से सर इट इज 896 वो कह के तो गलत है सर दैट वाज द इंफॉर्मेशन आई रेड यू से ना कॉन्फिडेंटली से इट्स 896 बट डोंट गिव एन आंसर व्हिच मे गिव देम अ ओपिनियन दैट यू आर गेसिंग सो योर आंसर इज कंसीडर्ड रॉन्ग इवन इफ इट इज राइट if they get the opinion that you are guessing. You understand the difference between interview and mains? Dekho. Sir, 893. Answer is wrong. You are asking me. Sir, 893. Wrong. Although in PPSC they may not be so particular, but see, follow the karna hi hai. In UPSC, though, you are finished at that. मैं वे ऑफ आस्क आंसरिंग इट गिव्स ओपिनियन गेस मार रहे चाहे आंसर ठीक है तब भी गलत सो यू हैव टू वेरी पर्टिकुलर यू अंडरस्टूड हां जी व्हाट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव और यू कैन गिव सम पार्शियल इंफॉर्मेशन सर द सेक्स रेशियो ऑफ पंजाब इज लेस देन 900 एंड इट इज अमंग द लोएस्ट इन द कंट्री द एग्जैक्ट फिगर आई एम अनेबल टू कितना बढ़िया आंसर है देखो हाउ दे विल बी हैप्पी व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ पंजाब Sir, it is above 75%, but I am not sure about the exact figure. And but it is above the national average. Good. Take it. So whatever information you have, you give. Now, if they ask you opinion-based question, and you don't know, suppose they ask you about some policy, what is your opinion about this policy? Answer only if you have studied that policy. Otherwise, you can always say, okay, sir, pardon me. I have not gone through this policy, so it will not be appropriate for me to answer. Although it has been in news, sir. Khatam. Bara. But if you do experimentation, you will fail. So one thing is, never guess. This is the most important thing that I am telling you. Number two, always give a pause before starting an answer. Give a view that you have thought about the question and then you are answering. ब्यूरोक्रेट इज नेवर रिएक्शनरी वो जब तक वो मुंह से आवाज नहीं निकालता सामने वाले को ये नहीं पता लगता इसको पता या नहीं पता समझे ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है ब्यूरोक्रेट की आप भाप नहीं सकते कि इस बंदे को पता या नहीं पता इसको निकाल सकते जब तक वो मुंह से निकालता सोच रहे हो सर आई मन बट टू रिकॉल लग तो ऐसा रहता कि आंसर करेगा So you have to give a pause before starting any answer. Even if you are sure about the answer, still you have to give a thinking moment. Thus number ki value is cheez ki. Agar aap abhi aur ye ho jati hai cheez, haath pe kar sakte. It's not something which is not achievable. Give a pause like this. Ekdam hum aa sakte hain. Bachcha khush hota hai ki usko answer pata hai. To phatak se baat karo. No, ye interview mein nahi chalta. Ye bureaucracy, ye civil service ka hai. Then you have to behave like a student, sir. Sir, when you say that pause, then sir, when the mock interview, which we generally do, we proper pretend that we are thinking. Sir, only there was eye contact. What is that? What is the issue? Sir, देखो. कोई issue नहीं. आगे आओ. Third is eye contact. Eye contact and hand movement. देखो, in regarding BPSC, the basic criteria for both is that it should not look odd. If you are thodi thalle thalle hand movement ho rahi hai unko nahi zyada visible doesn't matter but if you are doing it like this aisa kehne ka sir mere kehne ka matlab is ki matlab you are faced yaar to the senior tha ki aisa thoda aa rahe it is not bureaucracy it's against protocol they are your super seniors in a way hai na and before certain such senior persons you cannot blow your hands like this You have to now, for example, eye contact. Now, while thinking, you can just look at the table. Doesn't look, but if you look like this, cannot look like. बस ये देखना होगा आपको mock interview कि थोड़े सोचने का style की है. सोच रहे हो उसे थल्ले देखो. Looks elegant. थल्ले देखो ऐसे. But if you ऐसा देखो, odd. Isn't it? Super देखो.
Now, and while answering, you have to maintain eye contact with the members. ये तो हमको problem हो रही है eye contact members, you meet me. ये नई problem दूर हो रही है. वैसे ज़्यादातर आजकल problem ज़्यादा है नहीं, बच्चे confident ही हैं. I have taken so many interviews, mock interviews for PCS, तो ऐसा ये problem ज़्यादा किसी को दिल्ली आई नहीं हुई है. All are confident. ज़्यादा नहीं matter करती है, मतलब कि बहुत odd हो गई फिर matter करती है. Otherwise, you can always look between the two persons. ये दो बंदे बीच देखोगे तो इधर और लगेगा मैंने देख रहे हैं इधर लगेगा मैंने देख रहे हैं जैसे टेक्निक भी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू मीट मी पर्सन द फोर्थ पॉइंट इज दैट सी इफ दे इफ सम स्ट्रेसफुल सिचुएशन अकर्स दे बिकम एजिटेटेड बिकॉज ऑफ एनी ऑफ योर आंसर थोड़ा बेसिक फैक्ट नहीं पता वो गुस्से हो जाए थोड़ा मेन स्कीम में क्लियर हो गया नकल मारी सी लाल लाटे मारकर समटाइम्स इट हैपेंस In the interview, you forget certain basic facts, and it is very natural, and they also know it. They also know it. They also know it. So it is better to have some strategy. If some such situation occurs, then what I will do? किसी भी छोटे बिहेवियर ना हो नाराज हो गए किसी तो सी अंडर सच सिचुएशन रिमेंबर वन थिंग यू हैव टू स्टे काम थिंकिंग दैट दे आर डूइंग ड्रामा तुम की सोचना उस वक्त क्यों ड्रामा कर रहे हैं मैंने स्ट्रेस सिचुएशन पा रहे हैं मैं टेस्ट कर रहे हैं एक 120 नंबर दे रहे हैं मेरे को 150 सो यू हैव टू बिहेव इन दैट इफ सपोज एग्जाम्पल वन इफ दे से कि थोड़ा ये भी नहीं आता इतना बेसिक चीज़ है ना तो तुम किस तरह मेंस क्लियर कर गए ठीक हो गए मोस्ट ऑफ द टाइम्स लेट्स फॉर योर आई विल गो एंड होम एंड चेक सर आई हैड स्टडीड इट आई डोंट रिकॉल यही कहोगे यू विल से दिस थिंग इज़न्ट इट यही कहोगे कि होम पे आंसर है थोड़ा तो एंड दे आर एजुकेटेड कि व्हाई यू डोंट नो दिस How to handle this thing? And this will, you will encounter such situations in while you are tenure as civil servant also. If you say DC sahab will go, वो किस तरह नाराज होगा किसी दाल में? And he is bashing you like anything, and you can't speak anything. What do you do? Look, under such situation, you have to first of all maintain calm. No feeling of guilt should come on your face or in any of your language. कोई guilt नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी. Third thing, you have to see it as an opportunity. कि देखो जो number लाएंगे opportunity आ जाएगी. जब मैं situation handle कर ली, तब मेरे number पक्के. कहना क्या हो? The best way to handle such situation is stick to the facts. See, you are not knowing a single fact, right? You are not knowing a single fact, and they generalized this situation. कि तो एक फैक्ट नहीं आता से, वो कहते थोड़ा मेंस की में क्लियर हो गया, ये गलत है ना? जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए एंड से, नो नो सर, I have given my mains well, I studied, and that is why I was able to clear. Then means I have accepted that thing. So what you have to do is that you have to leave that mains part. You have to stick to that fact. To see those fact no pardon. Yes, sir, sir. This fact definitely is very. Forget about anything. कि थोड़ा pre-clear किस तरह हो गया, mains किस तरह clear हो गया, उनको खा जो बिल्कुल. Stick to the fact. Yes, sir, sir. I should have known this fact. Accept it. But somehow, sir, it has skipped my mind. Murder. That is the most bureaucratic answer ever you can give. जिस कुछ बोलना ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी सब कुछ आंसर हो गया एंड दैट इज वॉट यू विल डू इन प्रैक्टिस एक रिपोर्ट तुम्हें बनाई नहीं है रिपोर्ट्स को गलती होगी डीसी साहब ने क्या किस तरह के ऑफिसर सू रिपोर्ट नहीं बना सकते कुछ कह रही नहीं सकती ए वो है तुम सारा गलत छड़ के उन्होंने
एक चीज फाड़ लेंगे सर दिस रिपोर्ट आई विल जस्ट अमेंड इट उसी खा लेने बाकी सारी गल्ला द नॉन अनजनरस रिमार्क्स विच ही गिविंग सब खत्म उसी फाड़ लेंगे गल उसको रिपोर्ट कि सर आई विल जस्ट मेक इट अगेन एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस आई विल जस्ट कम सर खा लो जो तुम उन्होंने एक्नोलेज कर लोगे यू आर फिनिश्ड फिर तुम्हें दुश्मनी कट दी उन्होंने वो तो नाराज थी उन्होंने कहता ही डजंट मीन इट That is a clue about how to handle such situation. Sir, जब वो sorry कहने तो फिर होगी होगा कि sense of sorry कहने नहीं sense of blame नहीं sense sorry किस तरह का नहीं sorry आप किस तरह कह रहे हैं because the thing I should have known एक guilty थी feeling ना नहीं sorry कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं sir it's a very common fact I'm sorry I should have known but somehow it has skipped my mind हल्की इस mind में थोड़े number उठे भी 25 number ज़्यादा लगे खा देना बिल्कुल मेन स्मूथ स्मूथ जो कहन हो चुके हैं पीसीएस से इसका मतलब मेरे 20 साल के करियर दो तीन बार तो मैं सुन ही लिया है नॉट मच बट इनफ तो सुन ही लिया है कि हो गया है इंसिडेंट टेस्ट को का तो यू हैव टू हैंडल इट एंड पीपल हैव हैंडल्ड इट एंड दे हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स एंड दैट इज द बेस्ट वे टू हैंडल ठीक है क्लियर हो गया तो दिस आर द बिहेवियरल पिलर कि तुसी ए चीज तुसी देखो ए दो पिलर थोड़े पास हो गए ना क्लियर हो गए ਤੁਹਾਡੇ 150-170-80 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਫੈਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਪਿਲਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 70-80 ਮਾਰਕਸ ਯੂ ਕੈਨ ਇਨਸ਼ੋਰ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ